हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस के स्टडी पॉइंट एंड मैथलोजिया में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेगा आरडी शर्मा का एक्सरसाइज 6.2। 6.1 मैं प्रीवियस वीडियो में आपको दे चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए आज चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज जो कि आरडी शर्मा की 6 चैप्टर की है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, फाइंड द ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो एंगल ऑफ थीटा, यानी थीटा पर आपको कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी गई है और बाकी अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको जो दिया गया है, वो है 4/5। देखिए यहाँ पर आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 दिया है। इसे दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है, इसे राइट एंगल ट्राइंगल में ले लीजिए और वहाँ पर तीनों साइड्स को फाइंड आउट कर लीजिए और बारी बारी से हर एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है, कॉस से साइन की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन अपॉन कॉस 10 होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं स्क्वेयर कर देता हूँ, तो स्क्वेयर करने पर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 16/25 मिलेगा। यहाँ पर मैं देख पाता हूँ 1/sin² θ, यहाँ पर 1/16/25 रहेगा। 1 - 16/25 इज इक्वल टू sin²θ रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 25 माइनस में 16 करूँगा तो 9/25 मिलेगा। ओके, यहाँ sin²θ ही रहेगा। यहाँ पर आपको 3/5 मिलेगा sin θ की वैल्यू। क्या मिलेगा? sin θ की वैल्यू आपको 3/5 मिलेगा। इस तरीके से ये वैल्यू मिल सकती है। कॉस की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी। अब यहाँ tan θ की वैल्यू आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या? sin θ/cos θ हो जाएगा। ओके, sin θ/cos θ हो जाएगा। sin θ की जो वैल्यू है वो है 3/5 और cos θ की जो वैल्यू है वो है 4/5। 5 से 5 कैंसिल आउट होगा तो 3/4 जो है वो tan θ की वैल्यू हो जाएगी। cot θ की जब मैं बात करूंगा तो tan θ का उल्टा जो होता है वो cot होता है, तो ये वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, यानी कि 4/3 हो जाएगी। अब मैं साइन की बात करूंगा तो साइन का जो अपोजिट होता है वो होता है cosec θ। तो कुसेक की बात करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 5/3 और सेक की बात करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे sec θ की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4। तो ये आपके 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकल आए हैं। 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कहा गया है कि sin θ इज इक्वल टू 1/√2। तो देखिए sin θ के इक्वल में जो है 1/√2 दिया हुआ है, तो इससे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 5 अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की। तो सिमिलर इसी तरीके से जैसे हमने ये किया था, वहाँ यहाँ पर करेंगे sin²θ, तो यहाँ पर आपको 1/2 मिलेगा। हम जानते हैं sin θ होता है 1 - cos²θ और यहाँ पर आपको मिलेगा 1/2। इस 2 को इधर ले लीजिए तो 1 - 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos²2, तो यहाँ पर cos²θ और यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1/2, यहाँ पर हो जाएगा cos²θ। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे 1/√2 मिलेगा cos θ की वैल्यू। तो देखें यहाँ पर cos का उल्टा होता है sec θ, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, √2 आएगा। यहाँ पर होता है, आप देखिए sin θ की जो वैल्यू है आपको दी गई है, sin θ की वैल्यू sin θ इज इक्वल टू दिया है 1/√2, तो cosec θ की जो वैल्यू मिलेगी आपको यहाँ से वो होगा, cosec θ की जो वैल्यू मिलेगी वो भी होगी आपकी √2। अब आता है आपका tan, क्या आता है? tan। तो देखिए tan की जो वैल्यू है वो देख लेते हैं। tan की जो वैल्यू होगी वो होती है sin/cos, क्या? sin/cos। तो यहाँ पर sin/cos की √2 आ रही थी, तो यहाँ पर आपका जो है 1 वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? 1, यानी कि tan की जो वैल्यू होगी ये होगा tan θ की वैल्यू, और cot θ होता है इसका उल्टा, तो cos θ की भी वैल्यू 1 होने वाली है। तो ये आपके 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को, ठीक है? तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है आपके सामने, देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है tan θ इज इक्वल टू 1/√2। तो देखिए ये जो वैल्यू है आपको यहाँ से, आप देखेंगे कि आपको पहले यहाँ पर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चाहिए। cosec की वैल्यू चाहिए, cosec θ की वैल्यू चाहिए, cot θ की वैल्यू चाहिए और sec θ की वैल्यू चाहिए, यानी कि ये ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है? ये 3 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू चाहिए और इस पार्ट में आपको रख देना है। इस वाले पार्ट में आप जैसे ही रखेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखें ये जो पार्ट है वो है cosec²θ - sec²θ,
ओके यहाँ पर है कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा, ये आपका पार्ट है, ये पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट में आपको ये वैल्यू रख देनी है। यहाँ पर देखेंगे कोसेक थीटा, तो आपको दिया है, गिविन है आपका, गिविन जो पार्ट है वो है, देखिए टेन का वैल्यू गिविन है, ये वाला पार्ट आपको गिविन है। तो यहाँ पर देखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर है तो देखें वन बाई रूट टू है, तो कॉट उसका अपोजिट होता है, कॉट हो जाएगा आपका रूट टू, क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा आपका रूट टू। आपको बचा क्या, कोसेक और यहाँ पर सेक बचा। अब यहाँ पर देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, जब मैं आपको यहाँ पर जाऊँगा तो आप देखें कि ये पी होता है, ये बी होता है और ये एच होता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम यहाँ जानते हैं कि पी बी पी एच एच पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे टी आएगा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी वन अपॉन रूट टू, क्या आएगा वन अपॉन रूट टू, तो यहाँ पी है आपका वन और रूट टू है आपका बेस, ओके ये हो जाएगा। अब आपको ये हाइपोटेनियस चाहिए, तो देखिए वन का स्क्वेयर करूंगा और रूट टू का स्क्वेयर करूंगा, यानी वन का स्क्वेयर करके रूट टू का स्क्वेयर करेंगे, तो देखिए रूट टू का स्क्वेयर टू होता है, वन का स्क्वेयर वन होता है, तो दोनों को प्लस किया तो थ्री हो जाएगा और थ्री से रूट थ्री यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको वैल्यू चाहिए कोसेक की, तो कोसेक यहाँ से चलेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये आ गया आपका रूट थ्री, ओके। सेक की बात करेंगे, देखें साइन कॉस टेन कॉट सेक, यानी कि पी ये है और अपॉन बी है, तो देखें पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, ठीक है, पी अपॉन बी, सॉरी ये एच अपॉन बी है, सॉरी एच अपॉन बी आएगा, क्या आएगा एच अपॉन बी, ये एच अपॉन बी, तो देखें एच है आपके पास रूट थ्री और यहां पर आएगा रूट टू, क्लियर। तो ये वैल्यू आपको मिल चुकी है, जब ये वैल्यू आपको मिल चुकी हैं तो आपको इस फंक्शन में ये वैल्यू रख देनी है। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को रखेंगे तो देखें कोसेक यहाँ पर आएगा रूट थ्री का स्क्वेयर माइनस सेक जो आएगा आपका आएगा रूट थ्री अपॉन रूट टू का स्क्वेयर अपॉन अपॉन में कोसेक है आपके पास रूट थ्री का स्क्वेयर प्लस कॉट है आपके पास रूट टू का स्क्वेयर, ओके। जब मैंने इस वैल्यू को देखा यहाँ पर आपको जो मिला वो रहेगा 3 माइनस थ्री बाई टू अपॉन यहाँ पर होगा 3 प्लस टू, तो ये वैल्यू मिली 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बाई टू और यहाँ पर जो वैल्यू होगा 5 बाई वन, तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ ये आएगा आपका 3 अपॉन टेन आंसर, क्या आएगा 3 अपॉन टेन आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फोर है कि टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई फोर है, टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई फोर है। क्वेश्चन नंबर फोर को देखिए, देख लेते हैं वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फोर को देख लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू थ्री बाई फोर है, तो आपको जो वैल्यू बतानी है वो है वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा। तो सिमिलर आपको करना ये है, इस वाली वैल्यू को राइट एंगल ट्राइंगल में जैसे ही मैं लेता हूं तो आपको मिलेगा क्या, पी अपॉन बी, ये होता है, ठीक है, पी अपॉन बी मिलेगा। तो आप यहां इस तरीके से इसे कर सकते हैं, देखिए मैं एक बार बता दूं आपको कि पी बी पी एच एच बी, ये होता है आपका, तो टेन यहां आएगा, टेन यहां आएगा, तो 10 की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो P अपॉन B होता है, क्लियर। तो P अपॉन B ये होगा, तो 3 ये होगा और 4 ये होगा, जब हम इसकी बात करेंगे तो 3 ये 5 आ जाएगा, कितना आएगा 5, यानी H आपका 5 आने वाला है। तो आप cos की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर, जब cos की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको करना ये होगा, cos आता है यहाँ पर, ठीक है, साइन cos 10, तो cos आता है यहाँ पर B अपॉन H, क्या आता है B अपॉन H, तो आपको कॉस की जो वैल्यू मिलेगी, कॉस की जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो वन माइनस बी अपॉन एच जो होगा, बी होगा फोर और एच होगा फाइव, और वन प्लस फोर अपॉन फाइव, ये इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। ये होगा आपका फाइव माइनस फोर अपॉन फाइव और यहाँ होगा फाइव प्लस फोर अपॉन फाइव, तो जो आपका आंसर मिलेगा वो रहेगा इस तरीके से, ये देखिए वन अपॉन नाइन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव आप देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर फाइव है टेन थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिए, टेन थीटा इज इक्वल टू आपको दिया है 12/5, यानी कि तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा करना है। तो देखिए सिंपल, क्या आपको राइट एंगल ट्राइंगल देख लेना है, सबसे पहले आपको दिया गया है क्या टेन थीटा 12/5, तो 12 है आपका परपेंडिकुलर और बेस है आपका 5, ये है। जब आपको ये चीज़ें मिल चुकी हैं तो देखिए इसका होता है स्क्वेयर 144, यानी 144 और इसका होता है 25, दोनों को प्लस करोगे 165, ये 13 का होता है, यानी कि ये वैल्यू मिली। अब हम देखेंगे यहाँ से साइन की वैल्यू देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं साइन की। तो साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारे पास पी अपॉन एच, क्या होता है पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन एच होता है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और एच है हमारे पास 13, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है तो यहाँ पर लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपको प्रूफ करना है, क्या करना है वो आपको प्रूव करना है। तो देखिए क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस 12/13, 1 प्लस 12/13, 1 माइनस 12/13, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आएगा 25/13 और यहाँ पर आएगा 1/13, 13 से 13 कैंसिल आउट होगा तो आपका आंसर आएगा 25। तो 25 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 25 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि cot थीटा की वैल्यू आपको दी गई है, क्या दी गई है cot थीटा की वैल्यू। देखेंगे cot थीटा की जो वैल्यू है वो दी गई है आपको cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है और आपको 1 माइनस cos² और 2 माइनस sin² की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है। तो यहाँ देखिए हमें cos थीटा दे रखा है तो आपको इससे आपको बताना है कि साइन और cos की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं cot का उल्टा अगर मैं कर दूँ तो 10 होता है तो ये रूट थ्री मिल जाएगा, यहाँ पर 1 लेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी p होगा आपका रूट थ्री और 1 होगा आपका बेस, ये इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि 10 के आधार पर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलने वाली है। जब आप बात करेंगे साइन की तो ये देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 3 प्लस 1 यानी कि 4, तो ये 2 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 2। तो साइन की जब वैल्यू निकालेंगे तो पी अपॉन एच मिलता है आपको, ये बताएं तो पी अपॉन एच की जब बात करेंगे तो पी है आपके पास रूट थ्री और एच है आपके पास 2, क्या एच है आपके पास 2। अब कॉस थीटा की जब मैं बात करूंगा तो कॉस थीटा होता है के बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है हमारे पास 1/2, ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। तो अब आपको करना ये है कि आपको क्वेश्चन में रख देना है तो 1 माइनस cos², तो cos की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन यहां पर देखेंगे साइन देखेंगे तो 2 माइनस sin² थीटा, तो 2 sin θ की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। ओके अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3/4। ओके ये वैल्यू मिली, जब आपको ये वैल्यू मिल चुकी है तो आप इसे कर सकते हैं 4 माइनस 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 3/4। ओके ये हो गया 3/4 और यहाँ पर हो गया 5/4, 4 से 4 कैंसिल आउट और 3/5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी था।